मंगलमूर्ति मोरया। देवतुली भाइयों, माँ शक्ति, आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 336 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र नाथ पांडे साहब, तो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। और आपको जो विषय है वो है पंचतंत्र मित्र भेद भाग 7। इससे पूर्व भी आप 6 भाग ले चुके हैं और इसके अलावा भी कई विषय आप ले चुके हैं, कठोपनिषद और भी कई विषय ले चुके हैं, विनय पत्रिका आदि। अब आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे, धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 मंत्रों से प्रार्थना करता हूं मंगलाचरण के रूप में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन सूर्य देवता, आप हमारी जितनी बुराइयां हैं, दुर्व्यसन हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करो और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराओ। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप देवता, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं, आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ विद्वजन, विद्वत श्रोतागण, इस स्वाध्याय सत्संग की भागीरथ प्रवाह में आज हम 336वीं कड़ी में मिल रहे हैं, उपस्थित हैं। जैसे बारंबार कहा जाता है तो मैं फिर कहता हूं कि यह सब परिश्रम का श्रेय श्री अरविंद शर्मा जी को है। यद्यपि अरविंद शर्मा जी भी ठीक कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा है, परम सत्ता की कृपा है उनके माध्यम से, लेकिन कोई ना कोई निमित्त तो होता ही है। और इसके अलावा मैं उनका बहुत आभारी हूं। इसके अलावा जो हमारे साथी विद्वतगण इसमें जुड़े हुए हैं स्थायी स्तंभ के रूप में, उनके कारण यह स्वाध्याय सत्संग चल रहा है। अभी जैसे आदरणीय कालरा साहब कह रहे थे कि ऐसा काम अरविंद शर्मा जी ने किया कि जो अनजान लोग थे वो अब सब परिचित से हो गए हैं और एक से एक विद्वान एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे की छिपी हुई जो भी प्रतिभा है वह सामने आ रही है। और श्री अरविंद शर्मा जी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि यह YouTube पर सुरक्षित हो गया है, तो सभी जब चाहें सुन सकते हैं और भी लोग सुन रहे हैं और काफी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अस्तु, अपने अपने विषय में सब माहिर हैं। मैंने और विषयों के बोलने के साथ साथ जो पंचतंत्र की व्याख्यान माला प्रारंभ की है उसमें ही आज मित्र भेद का यह 7वां भाग है। प्रयास करूंगा मैं कि मित्र भेद का यह तंत्र, यह भाग, यह अध्याय आज समाप्त हो जाए। साथियों, मैं शुरू करता हूं बात को। जैसा कि आप परिचित हैं, पहले बताया जा चुका है कि पंचतंत्र एक कथानक के रूप में है, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा। दंड नीति, न्याय नीति, नीति शास्त्र के रूप में बताने के लिए कथाएं लिखी। इस व्याख्यान माला को प्रारंभ करने का आशय मेरा यही था कि जहां केवल पंचतंत्र को एक कहानियों का समुच्चय मात्र मानते हैं, वहां जो उसके पीछे छिपा हुआ न्याय शास्त्र या नीतियां हैं वह प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि वह संस्कृत में भी है, विशाल है और रुचिकर भी उतना नहीं लगता, तो रुचिकर केवल कथाएं कहते हैं। तो इसका कथानक इस तरह से प्रारंभ हुआ,
संक्षेप में कि अमर शक्ति नामक राजा के तीन पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहु शक्ति, अनंत शक्ति। विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, नालायक थे। उनको विद्वान बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने यह कहा कि मैं 6 महीने में इनको नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। इसी में उन्होंने यह पंचतंत्र रचा। उसका पहला अध्याय मित्र भेद के रूप में। मित्र भेद की कहानी जब प्रारंभ होती है तो इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। एक सिंह है पिंगलक नाम से, एक बैल है संजीवक नाम से, 2 श्रृगाल हैं कर्टक और दमनक। कहानी संक्षेप में यह हो चुकी कि बैल की और सिंह की दोस्ती दमनक ने करा दी, यह कह के ये देखिए कौन सा दिव्य कोई जंतु आया हुआ है। लेकिन उन दोनों की दोस्ती हो जाने पर जो पिंगलक और दमनक था उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। राजा पिंगलक ने, सिंह ने बैल से दोस्ती करके और अपने कार्य की उपेक्षा प्रारंभ कर दी। वह सात्विक हो गया, मांसाहारी होते हुए शाकाहारी से दोस्ती हो गई। प्रतीक है मैं समझता हूं यहां पर। लेखक यह बताना चाहते हैं कि राजा जो है उसे अपने राज्योचित जो कार्य ड्यूटी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। राजा यदि साधु हो जाएगा तो साधु वाला काम उसके लिए लायक नहीं है। साधु का मतलब दंड देना छोड़ देगा या प्रशासन करना छोड़ देगा राजा, तो उसके लिए उचित नहीं है। यही एक बात लेखक जो है वो इसमें बताना चाहते। जब उन्होंने देखा कि दोनों की दोस्ती हो गई, हमारी उपेक्षा हो रही है, तो मित्र भेद, दो मित्र में भेद कैसे कराया जाए, इसके लिए दमनक ने सिंह के पास जाकर यह कहा कि यह जो संजीवक है, बैल है आपका मित्र, ये आपको समाप्त कर देगा, ये आपकी जगह लेना चाहता है और ये उचित नहीं है, आप इसे समाप्त करो। और उधर उसने जाके बैल से, संजीवक से यह कहा कि यह सिंह जो है वो आपको मार देगा। तो दोनों के मन में चुगली करके एक द्वेष पैदा कर दिया। तो यहां पर कथाकार यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के चुगली करने वालों से बचना चाहिए। और यह भी सिखाना चाहते हैं कि दो मित्रों में भेद कैसे कराया जा सकता है। वो बुरा नहीं मानते, वो कहते हैं कि यह भी एक नीति का हिस्सा है, इस तरह से आप मित्र भेद दोनों में करा सकते हैं। यदि राजा को लगता है कहीं पर तो इस नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहानी आगे बढ़ी। जब बैल ने सोचा मैं भाग जाऊं, फिर सोचा मैं मुकाबला करूंगा, मैं तो बहुत मजबूत हूं, दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों के भाव पहले से ही द्वेषपूर्ण होने के कारण सिंह उस पे झपट लेता है और पिंगलक जो संजीवक है वो भी अटैक करता है, वो आक्रमण करता है अपने सिंह से, अपने सींग, तेज सींग जो है उससे उसके पेट में प्रहार करता। यहां पर कहानी हो गई कि दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। वो भी सांस ले रहा है, थक गया है, और सिंह भी सोच रहा है कि मैं इसको कैसे मार दूं। अब जो कहानी चल रही थी वो आज प्रारंभ होती है। इसी बीच में दमनक और कर्टक के बीच में जो वार्ता हो रही है उसके सहारे जो बात बताना चाहते हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। इसमें जो 2 पात्र हैं, कर्टक और दमनक, दमनक तो मुख्य ऐसा पात्र है जो कार्य कर रहा है भेद का, और कर्टक उसको समझाने वाला है। तो जब उसने ये देखा कि स्वामी के ऊपर भी आक्रमण कर दिया संजीवक ने, तब वो चिंतित हो गया। तब कर्टक ने दमनक से ये कहा कि तुम योग्य मंत्री नहीं हो, तुम बहुत ही उपदेश करने लायक नहीं हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमने सीधे सीधे ये भेद नीति का प्रयोग किया, तुम्हें शांत नीति का प्रयोग करना चाहिए था, यदि स्वामी हमारा मर गया तो हमको क्या मिलेगा। अब यहां पर 2-3 बातें जो बताने लायक है वो मैं बताता चलता हूं, समय के अनुसार प्रयास करूंगा इसे समाप्त करने का। एक बड़ा अच्छा उदाहरण उसने दिया यहां पे। उसने ये कहा कि
नीच पुरुष जो है वे केवल काम बिगाड़ना जानते हैं। और कहा इसे चूहा जो है वो अन्य की पिटारी को गिराने में समर्थ तो होता है लेकिन उसे उठाने में समर्थ नहीं होता। वो अपने दांतों से उसे गिरा तो देगा लेकिन उठा नहीं पाएगा। और कहता है कि तो स्वामी का भी दोष है, स्वामी तुम्हारी बातों में विश्वास करता, जो श्रेष्ठ जनों के कार्य को नहीं मानता स्वामी, नीच अनुयायी को मानता है, वो हमेशा ही बाधाओं में मुसीबतों में पड़ जाता है। और उसको जो दुष्ट जनों से सेवित राजा होता है उसको श्रेष्ठ जन छोड़ देते हैं। एक उदाहरण देते हैं, अच्छा उदाहरण दिया कि एक सरोवर है उसमें अच्छा पीने लायक पानी है लेकिन उसमें मगर रहता तो लोग उसके पास नहीं जानते, उसमें नहाने नहीं जाते, अपने जानवरों को नहीं भेजते। तो इसी तरह से यदि नीच व्यक्ति का राजा कहना मानता है तो श्रेष्ठ जन उसको छोड़ देते। और देखो तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अब एक दूसरी बात बताना चाहते हैं, किसको उपदेश देना चाहिए किसको नहीं समझाना चाहिए। तो एक शब्द का प्रयोग करता है करटक दमनक के लिए, तुम तो सूची मुख हो, तुम तो सूची मुख हो, तुम्हें तो समझाना उपदेश देना ही बेकार है। अब वो अपनी शैली पे विष्णु शर्मा जी की शैली शुरू हो जाती है कि दमनक ये पूछता भाई ये सूची मुख कौन है। तो उन्होंने कहा कि एक जगह सर्दी पड़ रही थी जंगल में, बहुत सारे बंदर थे, बंदरों को ठंड लग रही थी, ठंड में उन्होंने क्या किया कि उन्हें आग की जगह, उन्हें आग जैसे उन्होंने कहा अंगारे तो नहीं थे तो गुंजा फल, आपने जानते होंगे गुंजा के फल होते हैं, लाल लाल फल होते हैं, तो उन फलों को इकट्ठा करके वो बैठ गए लेकिन सर्दी नहीं जा रही थी। तो इसको देख के एक पक्षी था उसका नाम था सूचीमुख, सूचीमुख माने जिसकी सुई जैसा मुख है, उस पक्षी ने उनको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि अरे तुम तो कहीं गुफा में चले जाओ, यहाँ पर ये अंगारे नहीं है, इससे आपकी आग आपको नहीं मिलेगी, आपको उष्णता प्राप्त नहीं होगी। अब यहीं पर बात आई कि उसमें से एक बंदर ने कहा कि देखो मूर्ख तुम हमें क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, मत समझाओ। कि यहाँ पर उदाहरण दिया, ये उपदेश एक तरह से नीति शास्त्र है कि जो निष्फल व्यक्ति है या पराजित ज्वारी है या शिकारी है या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति है उससे कोई उपदेश देता है तो तिरस्कार का पात्र बनता है। वहां पर एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध हमारे यहाँ सुभाषित है संस्कृत में कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। बहुत सरल श्लोक है, आपने सुना भी होगा कि मूर्खों को उपदेश देना शांति के लिए नहीं होता बल्कि उनको गुस्सा बढ़ाने के लिए होता है, क्रोध बढ़ाने के लिए होता है। ठीक उसी तरह से यदि आप सांप को दूध पिलाएं तो उसका जहर ही बढ़ेगा, उसे दूध के गुण उसमें नहीं आने हैं। तो जब वो नहीं माना सूचीमुख तो एक बंदर उठा और उसे पकड़ के उसके पंख तोड़ के उसे मार के गिरा दिया। तो उसने ये कहा, फिर करटक ने इसके साथ एक और कहानी जोड़ दी कि उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने, ऐसे वैसे लोग को जिसको भी देखो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो उस वानर ने एक जो घर में बैठी हुई चिड़िया थी उसको बेघर कर दिया। तो उसने पूछा भाई क्या कहानी है, ये कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक बंदर था बैठा हुआ था सर्दी में बड़ा पीड़ित था, एक बया था अपने घोंसले में चिड़िया बैठी हुई थी आराम से, उसने उसको उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि भाई तुम्हारे तो हाथ पैर बंदर आदमी जैसे हैं, तुम्हें तो बना लेना चाहिए। वो बहुत शांत करता रहा, वो नहीं माना, उन्होंने कहा तू बहुत होशियार बन रही है। आपको एक शब्द की दृष्टि से एक बात यहां सामने आती है मेरे, उस बंदर ने जो उस चिड़िया के लिए शब्द प्रयोग किए अच्छे शब्द नहीं है लेकिन शब्दावली की दृष्टि से देखना चाहिए कि संस्कृत में ये शब्द पहले प्रयोग होता रहा होगा। उसमें कहा कि तू दुराचारा है, पंडित माननी अपने को बहुत पंडित समझ रही है, दुराचारणी है, एक शब्द प्रयोग किया रंडा, तो जो हमारे खराब दुष्चरित्र महिलाओं के लिए जो प्रयोग करते हैं वो संस्कृत में भी कभी प्रयोग हुआ होगा। मुझे भी अजीब सा लगा, ये लगा कि भाई ये संस्कृत का प्रयोग यहाँ पर किस तरह से पहले से इतने सौ साल पहले भी सबका प्रयोग किया होगा। खैर तो उसने बहुत समझाया कि तू ज्यादा बकवास मत कर, लेकिन मानी नहीं चिड़िया, तो उसने उसके घोंसले को तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब यहां पर
इसलिए कहा कि सबको उपदेश देना चाहिए। और तुम तो ये भी एक शब्द का प्रयोग किया, तुम तो अपजात हो। अब जब उसने अपजात कहा तो उसने पूछा, भाई अपजात तुम मुझे क्यों कह रहे हो? तो एक और उपदेश की बात बता दी यहां पे कि जो माता के गुणों के समान पुत्र होता है उसे तो जात कहते हैं, और पिता के समान जो गुणों होता है उसे अनुजात कहते हैं, और माता पिता से अधिक जो गुण होता है जिसमें उसे अतिजात कहते हैं, लेकिन जो नालायक पुत्र होता है उसको अपजात कहते हैं। तो कर्टक ने दमनक को कहा तुम अपजात हो, इस बात से कह के वो ये बताना चाहते थे कि किस तरह के पुत्र होने चाहिए। अब उसने ये कहा कि देखो, कर्टक ने दमनक से कहा कि मुझे तो पाप बुद्धि का भी पता है, मुझे धर्म बुद्धि के बारे में भी पता है, और तुम तो पाप बुद्धि वाले हो जिसने कि अपने पिता को ही मरवा दिया। तो उसने पूछा भाई कहानी क्या है? ये कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी पहले कि दो मित्र थे, एक था पाप बुद्धि एक था धर्म बुद्धि, जैसे नाम से ही लग रहा एक अच्छा था एक बुरा था, दोनों मित्र थे। जब मित्र थे तो दोनों उन्होंने कहा मिले भाई मैं मूर्ख और दरिद्री हूं, दोनों ही ये पाप बुद्धि ने सोचा कि मैं तो मूर्ख दरिद्री हूं, ऐसा करता हूं ये धर्म बुद्धि वाला बड़ा लायक मेरा दोस्त है, इसके साथ विदेश ले जाता हूं इसको और पैसे वैसे कमा के लाता हूं। तो उसने समझाया उसको और ये समझाया कि देखो भैया तुम वृद्धावस्था में किन दिनों को याद करोगे, यही पड़े पड़े गांव में सड़ जाओगे, जब बच्चे हो जाएंगे और हो जाएंगे तुम कैसे विदेशों के बारे में बताओगे? जैसे हम लोग कहते हैं रिटायर्ड होने को थे तो हम सोचते थे कम से कम वर्ल्ड टूर तो कर लें, विदेश तो घूम लें, तीर्थ तो कर लें, हम कैसे अपने बच्चों को बताएंगे या अपने आप भी जानेंगे। यही बात उसने सब बताई और ये कहा देखो पैसे भी कमाएंगे, तुम तो बहुत योग्य हो और तुम जाके बाहर हम लोग पैसे कमाएंगे, जब तक पैसे नहीं कमाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, विदेशों में जाके जब लौटते हैं तो विदेशों में हमारा ज्ञान भी जो हमारे पास कला है उसका महत्व होता है, वो हम पैसे कमा के लौट आएंगे तब हमारी पूछ भी होगी। अब क्या हुआ, दोनों चले गए, इन्होंने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद वहां पर खूब धन कमाया पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के सहारे सहारे प्रभाव से, क्योंकि धर्म बुद्धि तो बहुत ज्ञानी था, उसका उसका बन के साथी पैसे कमाया। अब कहानी शुरू होती है कि वो लौट रहे थे दोनों पैसे लेके, उन्होंने कहा चलो घर चलते। घर जैसे ही आने को हुआ तो पाप बुद्धि के मन में अपना योजना बनने लगी, उनने उसे समझाया देखो भाई एक बात यहां पर शिक्षा की भी है, उसने उससे ये कहा कि न वित्तम दर्शयेत प्राज्ञः कस्यचित् स्वल्पमप्यहो, इसका अर्थ हुआ हे मित्र अपने पैसे के बारे में किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए, एक ये नीतिगत बात है यहां पर, क्योंकि अगर पैसे के बारे में पता चल जाता है तो चाहे मित्र है चाहे उनका मजबूत आदमी है चाहे संबंधी है सबका मन खराब होता है, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा गांव से पहले ही एक पेड़ था और उसके पेड़ को खोद के उसके जड़ में हम पैसा यहाँ पर इकट्ठा रख देते हैं, थोड़ा पैसा अपने साथ ले चलते हैं और जब जरूरत होगी तो आके यहां से ले जाएं। बिल्कुल ठीक है, उसने ऐसा ही किया, धर्म बुद्धि को तो विश्वास था उसके ऊपर। अब पाप बुद्धि ने कुछ दिनों जाके उसके मन में तो कुलबुलाहट थी, तो उसने क्या किया एक दिन जाके सारे का सारा पैसा निकाल लाया और अपने घर में आके ले। कुछ दिन और बीतते तो उसने बात चलाई कि चलो भाई धर्म बुद्धि अब चल के पैसा लेके आते हैं। जब वहां पर गया खोदा तो देखा पैसा नहीं था, अब तो पाप बुद्धि पूरा ड्रामा करने लगा नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि से कहा तेरे अलावा किसी को पता नहीं था और तूने ही मेरे पैसे सब चुराए हैं, यहां पर जो भी है तो ये पैसा यहां से ले गया है मेरे का सारे का सारा। उसने कहा नहीं मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं कभी दुष्टता की बात नहीं करता हूं, पाप नहीं करता हूं, इस तरह की चोरी नहीं करता हूं, मैं पता है किस क्या सिद्धांत मानता हूं, मैं मानता हूं मातृवत परधाराणी, दूसरी स्त्रियों को माता के समान मानता हूं, पर द्रव्याणी लोष्ठवत, और दूसरे को धन को मैं बिल्कुल पत्थर के समान मानता हूं, आत्मवत सर्वभूतानी, और सारे लोगों को आत्मा की अपने जैसा ही मानता हूं, मैं धर्म बुद्धि हूं। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है लेकिन यहां पर इस संदर्भ में भी धर्म बुद्धि ने अपने संदर्भ में यहां पर दिया है। तो एक नीति बताई है तो कहानी लेकिन ये नीति बताई कि होना क्या चाहिए कि मातृवत परधाराणी, दूसरी स्त्रियों को मातृवत देखिए, दूसरे के धन को पाषाणवत देखिए और आत्मवत देखिए सर्व सब लोगों को। क्या
जब ये विवाद बढ़ा, अब वो तो नहीं माना, विवाद लेके वो न्यायालय में पहुंच गए, न्यायालय में पहुंच गए अब एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, दोषी ठहराने लगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पे, अब न्यायाधीशों ने कहा कि अच्छा भाई ये तो मान ही रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, कोई है नहीं, तो उन्होंने ये कहा दिव्य परीक्षा होगी। ये दिव्य परीक्षा का एक ऐसा शब्द आया यहां पे, तो मैं सोचने लगा ये जैसे आज लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, ऐसी कोई दिव्य परीक्षा का मामला होता होगा, क्यों कि उससे पाप बुद्धि घबरा गया दिव्य परीक्षा की बात सुन के। तो अब उसने वहां पर ये कहा, अपना पक्ष रखा कि देखो भाई पहले तो लेखबद्ध प्रमाण होना चाहिए, ये लेखबद्ध प्रमाण नहीं है तो गवाही लेनी चाहिए, गवाही नहीं है तभी ये दिव्य परीक्षा होनी चाहिए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट टाइप जो है ये बाद में होना चाहिए। तो लोगों ने कहा, न्यायाधीशों ने, भाई तुम्हारा गवाही कौन है, उन्हें गवाही तो जो क्या कहते हैं वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर कहते हैं देवता रहते हैं, वो गवाह है मेरे, आप वृक्ष के पास चलो और जो वन का देवता है वो गवाही देगा। तो उन्होंने कहा चलो भाई चलो। अब उसने एक प्लान बनाया, वो अपने पिताजी के पास आया, अब पिताजी से कहा कि देखो भाई ऐसा है कि मैंने तो कह दिया वृक्ष देवता के पास जाने का, आपने कहानी पढ़ी होगी। तो उसने कहा कि वहां पर एक खोल है, उसमें एक दिन पहले ले जाके पिता को बैठा दिया, और पिता को ले जाके बैठा दिया, अगले दिन न्यायाधीश आए, सारे लोग आए, पाप बुद्धि भी गया, धर्म बुद्धि भी गया, सब वहां पर जाके उन्होंने कहा कि आप चलिए वहां पर चल के बात कहो। तो उन्होंने कहा, आवाज दी, हे वन देवता, इनमें से जो भी चोर हो, क्योंकि सब साक्षी हैं आप लोग, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि अंतरिक्ष भूमि जल सभी संध्याएं सब कर्मों के साक्षी हैं मेरे, हम दोनों के, इनमें जो चोर हो वो बता दो। अब तो अंदर उसके पिताजी बैठे हुए थे, उसने आवाज कहा कि ध्यान पूर्वक सुन ले, ये धर्म बुद्धि नहीं, धन चुराया है। अब तो सब न्यायालय वाले न्यायाधीश लोग कहने लगे धर्म बुद्धि को दंड दो। तब तक जब ये बात चल रही थी, तब तक उसने क्या किया कि घास फूस इकट्ठी करके स्कूटर में डाल के उसमें आग लगा, आग लगाते ही जो अंदर पिता बैठे थे वो आधे जलते हुए निकलते हुए आए, चिल्लाने लगे। तब न्यायाधीश ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा सारी बात बता दी कि मैं इस पाप बुद्धि का पिता हूं और इसी ने मुझे समझाया था। तो उनको दंड दिया गया, दोनों को लटका दिया गया। तब करटक ने कहा देखो दुष्ट आदमी के साथ इसी तरह का होता है, और जैसे तुमने तो वो काम किया, जो दुष्ट आदमी दूसरे का नुकसान करने के लिए दुष्टों का साथ होता है उसका भी नाश हो जाता है। जैसे नेवला था, नेवले ने सब मरवा दिया, तो उन्होंने कहा कैसे भाई, तो उसने कहा एक फिर कहानी शुरू हो गई कि एक बगुला था, बगुला जो है उसको उदास देख के वहां पर एक उस पेड़ में, एक पेड़ में जिसमें बगुला रहता था उसमें एक काला सांप भी रहता, तो काला सांप बगुलों के जो अंडे थे उन सबको खा गया, बच्चों को खा गया। अब बगुला बहुत दुखी था, तो एक केकड़ा आया और केकड़े ने पूछा भाई तुम कैसे उदास हो, तो उसने कहा वो सांप रहता है वो इसे बच्चों को और मेरे अंडों को खा जाता, खत्म कर देता। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, एक नेवला दूर में बिल में जानता हूं, तुम अपने जो मछली के टुकड़े खाते हो हड्डी वगैरह वो वहां से लेके सांप के बिल तक डाल दो। तो नेवला जो है उन्हें देखते देखते सांप के बिल पे जाएगा और सांप को मार देगा। केकड़े के मन में क्या था कि सांप आ जाएगा, ये बगुला भी मुझे हम सबको खाता रहता है तो इसको भी समाप्त कर देगा। तो वैसा ही हुआ, उसने कर नेवला जो है वो देखते देखते वहां पर सांप के बिल के पास पहुंच गया उन मांस के टुकड़ों के सहारे और सांप को उसने मार दिया। लेकिन जब उस पेड़ पर पहुंचा तो धीरे धीरे उसने छोटे जो बगुलों के बच्चे थे उनको भी समाप्त कर दिया। तो यहां पर उसने ये शिक्षा दी, यदि तुम दुष्ट लोगों का ध्यान करोगे तो दुष्ट भी तुम्हारा नुकसान कर देंगे उसमें, और हो कुछ भी सकता है। देखो कोई भी अपूर्व बात हो सकती है, एक कोई अपूर्व बात करोगे दूसरी अपूर्व बात खड़ी हो जाएगी। उसने कैसे भाई कैसे हो जाएगा, देखो अगर तुम कहोगे कि चूहों ने लोहे की तराजू को खा लिया तो लड़का भी गायब हो सकता। अब उसने कहा ये कहानी कौन सी है, तो ये इस कहानी को उन्होंने इस तरह से बताया कि देखो भाई एक जीर्णधम नाम का
वणिक पुत्र रहता था, व्यापारी था, जीर्ण धन उसके पास पैसा कम था। तो उसने ये सोचा कि मैं विदेश जाके पैसे कमा के आऊंगा। तो वहां का जो महाजन था उसके पास वो गया और उसके पास वणिये के पास जो वणिक पुत्र था उसके पास लोहे की बहुत बड़ी तराजू थी, उस तराजू को उसने मॉर्गेज रख दिया, बंधक रख दिया, गिरवी रख दिया और थोड़े बहुत पैसे लेके कि भाई तुम इसे देखे रहना, मैं आऊंगा तब तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो कुछ दिनों बाद जब पैसा वैसा कमा के लौटा वहां से, तो उस महाजन के पास गया और महाजन से ये कहा कि मेरी लोहे की तराजू दे दो, ये थोड़ा सा पैसा है जो मैंने तुमसे उधार लिया था वो तुम ले लो। अब उसके मन में बेईमानी थी, तो उसने ये कहा कि भाई चूहे खा गए उसको, उस लोहे की तराजू को तो चूहे खा गए। अब वणिक पुत्र ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, सर लोहे की तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं। तो उसके मन में योजना बनी, उसने बहुत अच्छी तरह से बनिए से कहा भैया अच्छा जो कुछ हो गया हो गया। तो यहां पर एक नीति लिखी, उन्होंने लिखा अत्यादरो भवेद यत्र कार्य कारण विवर्जित तत्रा शंका प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना कारण से यदि आपका बहुत कोई आदर कर रहा है तो शंका करनी चाहिए। कहते हैं ना अत्यादर शंकनीय, इस तरह से कहते हैं। तो अत्यादरो भवेद यत्र कार्य कारण विवर्जित, बिना कारण के आपको कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है तो आपको शंका करनी चाहिए। यदि आप पहले सजग हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपको बहुत बड़ी किसी आपत्ति से बच सकते हैं। लेकिन वो नहीं समझा क्योंकि उसके मन में बेईमानी थी, वणिक वो उसके महाजन के मन में। तो उसने ये कहा वणिक पुत्र ने कि अच्छा चलो भाई जो कुछ हुआ हुआ, अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, आप अपनी दुकान से मुझे स्नान के संबंध में जो भी सामग्री है वो सब अपना पूजा उजा की सामग्री मुझे दे दो, मैं लौट के तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ऐसा करो कि अपने पुत्र को छोटा जो बच्चा है इसे साथ में कर दो, जिसे देखावाली करता रहे। तो महाजन ने कहा बात तो ठीक ही कह रहा है, ऐसा ना हो कि मैं तो इसका तराजू को मैं खाई गया हूं बेईमानी से, ऐसा ना हो कि ये मेरे पैसे भी न दे और सामग्री को भी लेता उपयोग कर ले। तो उसने एक छोटे से लड़के को उसके साथ कर दिया। जैसे ही उसके साथ कर दिया तो उसने नहाया वाया सब, उसने तो वहां पर एक गुफा थी, गुफा के अंदर उस लड़के को कर दिया बंद और उसके गुफा के मुंह पे रख दिया बहुत बड़ा पत्थर। अब जब वापिस आया तो उसने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि उस बच्चे को तो चील उठा ले। उसने आके महाजन से ये कहा कि उस बच्चे को तो चील उठा ले गई। उन्होंने कहा ऐसा कहीं होता कि बच्चे को चील उठा ले जाए, तो झूठ बोलता है, मैं न्यायालय में जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो भाई न्यायालय में जाओगे। तो अब न्यायालय के सामने बात रखी, उन्होंने कहा साहब मेरा लड़का गया था, ये कहता चील उठा लेगी। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा साहब जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो उस लड़के को चील भी उठा ले जा सकती है। तो उन्होंने कहा ये क्या कहानी है। तो उसने सारी कहानी बताई न्यायाधीशों के सामने कि साहब मैं गया था विदेश जाने से पहले, मैंने तराजू उसके यहां लोहे की रखी थी, अब ये कहता है कि चूहे खा गए। अब न्यायाधीश के समझ में आ गया, उन्होंने उसे बहुत डांटा और सारी बात बताओ। उसने बता दिया, समझाया बुझाया, उसने तो पुत्र दे दिया, उसने तुला दे दी। तो उसने कहा कि जहां कोई एक अपूर्व घटना घट सकती है वहां दूसरी घटना भी घट सकती है। उसके साथ साथ अब करटक के सहारे एक बात कहलवाते हैं, उसने दमनक से ये कहा कि भाई तुम तो बहुत ही बेकार मित्र हो मेरे, बेकार बेवकूफ मित्र हो। और यहां पर एक बात कहलवाई कि पंडितों की वरम शत्रु न मूर्खो हितकार का, जैसे कहते हैं ना एक हिंदी में कहते हैं कि नादान दोस्ते दानी दुश्मन अच्छा, तो ये कहावत यहां पर कही। और उसके साथ ये कह दिया कि वानरेण हतो राजा विप्रास चोरेण रक्षिता, कि बंदर ने राजा को मार दिया और इस एक चोर ने जो है ब्राह्मणों की रक्षा कर दी।
तो इसलिए वो कहता है करटक दमनक से कि तुम जैसे मूर्ख दोस्त का होना ठीक नहीं। उसने पूछा भाई ये क्या कहानी। अब दूसरी कहानी एक प्रारंभ हो जाती। उन्होंने कहा देखो भाई एक राजा था, राजा के पास एक बंदर था, बंदर उसने बहुत ट्रेंड कर रखा था और जब वो सोता था तो बंदर उसकी रक्षा करता था, उसका अंगरक्षक के रूप में काम करता था और बिना किसी रोक टोक के किसी को अंदर आने नहीं देता था। जैसे कोई आए तो अपने वहीं दरवाजे पर रहता था वो, जैसे कि लोग डॉग पाल लेते हैं, पैट डॉग पाल लेते हैं, ऐसा उस राजा ने बंदर को पाल रखा। तो वो ये बताना चाहते हैं इस कहानी में कि बंदर जैसे अव्यवस्थित को विश्वस्त रखने में क्या नुकसान। तो इसमें उसने कहानी ये बताते हैं, नृप सेवक बानर कथा के नाम से है ये जो हेडिंग है, उसमें ये बता रहे हैं कि राजा सो गया और राजा को जो हवा हो रही थी, पंखा चल रहा था, फिर भी एक मक्खी उनके ऊपर, राजा के ऊपर बार बार बैठ, उसके वक्षस्थल पर आके बैठ गई, उसे उड़ाने का प्रयास किया, वो मुंह पे आके बैठ गई, फिर उसने उड़ाने का प्रयास किया। तो अब स्वाभाविक रूप से तो बानर चंचल हो गए, तो वो गुस्से में आ गया, उसने तलवार उठाई और मक्खी पे मार, तो मक्खी तो गई उड़ और राजा गया मर। तो एक बात उसने ये बताई कि पंडितोपि वरम शत्रु न मूर्खो हितकारक, हितकारक अगर मूर्ख हो तो वो भी मित्र ठीक नहीं है, मूर्ख नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कहानी बताई उसने कि क्या कि विप्राश्चोरेण रक्षिता, ब्राह्मणों को चोर ने रक्षा की। तो ये क्या कहानी, ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई आपके साथ विद्वान आदमी या भला आदमी आपके साथ है, भले ही वो आपका बुरा करना चाहता हो तो भी वो ठीक है मूर्ख से। उन्होंने कहानी क्या बताई, उन्होंने कहानी ये कहा कि एक जगह एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन पूर्व जन्मों के कुछ कर्म थे, उसके पास पैसा नहीं था, दरिद्री था, तो वो चोरी करता था, चोर काम में लगा हुआ था ब्राह्मण होते हुए, पैसा ना होने से वो चोरी करता। तो एक बार उसने देखा कि नगर के बाहर से कुछ, बाहर के विदेश से मतलब दूसरे शहर से कहीं और दूर शहर से कुछ चार ब्राह्मण आए हुए हैं और वो अपनी अपनी चीजें बेच रहे। तो उसने कहा अच्छा, और काफी पैसा उनके पास आ रहा, तो वो जो दरिद्र चोर ब्राह्मण था वो उनके साथ लग गया कि मौका लगने पे मैं इनका पैसा चुरा लूंगा और पैसा चुरा के अपना काम बना लूंगा, और उनकी सेवा करने लगा, शास्त्रीय कथाएं सुनाने लगा तरह तरह की, उनका विश्वास प्राप्त कर लिया उन बाहर से आए हुए ब्राह्मणों का। अब यहां पर एक शिक्षा देते हैं, कहानी तो मैं बता दूंगा आगे, लेकिन शिक्षा क्या देते हैं इसमें कि यह देखना चाहिए कि बिना मतलब के हमारी कोई सेवा क्यों कर रहा है। यहां पर उदाहरण दिया, दो दुष्चरित्र स्त्री जो होती है वो लज्जा बहुत करती, और खारी जल जो होता है वो ठंडा होता है, दंभी व्यक्ति आचार विचार का बहुत समर्थक होता, पाखंड का बड़ा समर्थक होता, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दंभी व्यक्ति होगा, और धूर्त व्यक्ति जो होता है वो बहुत मीठा बोलता है। यहां पर एक नीतिगत बात लिखी उन्होंने कि इसको देखना चाहिए। अब सामान वामान बेच दिया, उन्होंने क्या किया, जब सामान के पैसे आए तो उनका भाई पैसा तो इतना सारा कैसे ले जाएंगे, तो उन्होंने उसकी जगह बहुमूल्य रत्न खरीद लिए, डायमंड्स जैसे होते हैं खरीद लिए, छोटी जगह में आए। एक बात ये यहां पर इस कहानी से एक और लगती है कि उस जमाने में छिपाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आजकल बेल्ट बांध लेते हैं, बेटी बांध लेते हैं, तो पुराने काल में तो नगर छोड़ के जंगल से निकलना पड़ता था, लूटपाट होती थी। तो यहां पर एक बात ये लिखी है इन्होंने इसमें यहां पे कि उन्होंने संस्कृत में तो ये लिखा है, जंगा मध्य तत्समक्षम प्रक्षिप्य, जांघों के बीच में, जांग में उसको रखकर। हिंदी में अर्थ अगर इसका ये निकाला जाए तो यह है कि
कोई सर्जरी करके, जांघों में कोई सर्जरी करके उसको डायमंड्स को सबने चारों ने रख लिया। अब क्या तरकीब होगी ये पहले, हो सकता है इसलिए छुपाया जाता हो पैसे को किसी तरह से कि भाई हम जैसे स्मगलिंग नहीं करते हैं, स्मगलिंग करके पेट में डाल लेते हैं और भी अपने प्राइवेट पार्ट्स में डाल लेते हैं, तो इस तरह से कुछ हुआ होगा। तो उस जमाने में भी इस तरह की कोई बात हो, तो उन चारों ब्राह्मणों ने उस बहुमूल्य रत्न को रख लिया। लेकिन वो जो चोर ब्राह्मण था वो देख रहा था, उनने कहा भाई ये तो काम नहीं बना, मैं इनसे पैसे तो चुरा नहीं पाया, तो मैं ऐसा करता हूं इनके साथ चलता हूं और साथ चल के जब भी मुझे मौका लगेगा इनके यहां जाके तो मैं इनसे पैसा चुरा लूंगा। और उसने बड़ा अन्य विनय किया कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, मुझे कहां छोड़ जाओगे, मैं एकाकी छोड़ के कैसे जाएगा, मेरा मन तो लगेगा नहीं और आपके साथ में चलता हूं। तो उन चारों ने सोचा चलो बड़ी सेवा करने वाला है और हम चलते हैं। तो जैसे ही वो अपने नगर से बाहर जाके जंगलों में जाने लगे, तो आपने पढ़ा ही होगा पहले चोर डकैत वगैरह सब रहते थे ऐसी जगह में। तो एक बात और लिखी इसमें कि वायस, वायस कहते हैं कौओं को, या तो कोई ट्रेंड पक्षी होते होंगे उनके ठगों के। तो उसमें लिखा है वायसों ने चिल्लाना शुरू किया कि चलो चलो साथियों, जितने चोर लेने वाले हैं डकैत हैं उनसे कहा चलो ये पैसा लेके आ रहे हैं लोग, इनको लूट। अब उन्होंने बदमाश आ गए, डकैत आ गए, उनको रोक लिया पांचों को, और पांचों को कहा तुम बता दो सब कहां पैसा है। उन्होंने तलाशी ली, ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो डकैत तो जानते थे कि लोग जो है अंदर शरीर के अंदर छुपा के रखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा प्रत्येक अंग हम चीर देंगे और तुम बता दो, नहीं तो हम अपने आप ही बता दो। अब यहां पर वो बात जो बताना चाहते हैं, जो चोर ब्राह्मण था उनके साथ, उसके पास तो कुछ था नहीं, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि देखो भाई मरना तो है ही मुझे, ये चार ब्राह्मण ये मार देंगे, मुझे आज नहीं मरना है कल भी मरना है, ये ब्राह्मण बुद्धि हो गई उसके। जो व्यक्ति गौ और ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण का त्याग करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। उसको यहां पर अपना वो याद आ गया, क्या कहते हैं, धर्म याद आ गया कि जो गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। तो उसने कहा ऐसा करता हूं मैं, इन ब्राह्मणों की जान बचा लेता हूं। कैसे बचा लेता हूं, अपने को प्रस्तुत कर देता हूं। उन्होंने कहा देखो भाई हमारे पास कुछ नहीं, और बदमाशों से कहा, मैं कहता हूं से कि तुम चाहो तो मुझे मेरे शरीर को चीर कर देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ बात ठीक है। उस ब्राह्मण को उन्होंने मारा, उसको चीरा, चीर के देखा तो उसके पास कुछ नहीं मिला। जब धन नहीं मिला तो उन चारों ब्राह्मणों को उन्होंने बिना मारे ही छोड़। तो ये कहा कि पंडितों भी वरम शत्रु, पंडित भी अगर शत्रु है तो ज्यादा ठीक है, और अगर आपके पास कोई मूर्ख जो है मित्र है तो वो बहुत हितकारक नहीं होता। तो पंडितों भी वरम शत्रु न मूर्खो हितकारक, जो अच्छा दानी दुश्मन ज्यादा अच्छा है, नादान दोस्त खराब। एक शिक्षा यहां पर ये। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों तो अपने बात में लगे हुए थे। अब मैं धीरे धीरे समाप्ति की ओर से ले जाता हूं मित्र भेद को, कि कर्टक और दमनक ये दोनों तो अपने बातों में लगे थे। वहां पर क्या हुआ, उसने आघात तो कर दिया था बैल ने सिंह के ऊपर, उसके पेट में चोटी लग गई थी सिंह के, लेकिन सिंह तो सिंह ही है, सिंह ने भी उस पर आघात किया और उसके बाद थोड़ा मौका देख के शेर ने मार दिया, शेर ने ही मारना था, संजीवक को खत्म कर, मर गया संजीवक, दमनक भी खुश हो गया। लेकिन अब उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। यहां पर लिखा है कि पिंगलक कहने लगा अरे मैंने तो विश्वासघात किया, मेरा मित्र था। अब उस सिद्धांत वाली बात यहां पर आने लगी कि मित्र द्रोही कृतघ्न विश्वासघाती ये सब जो हैं वो नरक जाने वाले हो, नरकगामी हो जाते हैं। अब तो विनाशी हो जाएगा, मैं सभा में उसकी प्रशंसा करता रहा हूं, मैं क्या सभासदों को उत्तर दूंगा। अब यहां पर दमनक उसको समझाता है। देखिए दमनक क्या कहता है, राजा की जो नीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए,
यहां पर लिखा पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भार्या वा सुहृत प्राण दोहम यथा गच्छेत हंतव्यो नास्ति पातकम। इसका मतलब ये हुआ कि पिता माता भाई पुत्र स्त्री मित्र चाहे कोई भी हो यदि वह प्राणद्रोह करता है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। यहां तक इस नीति में लिखा हुआ। आप सहमत हैं, हम सहमत हैं, नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि हमें मार रहा है कोई तो हमें उसे मार देना चाहिए। और एक और बात कही कि जो राजा बहुत दयालु होता है अपराधियों को भी छोड़ देता है, और जो ब्राह्मण सर्वभोजी होता है भक्ष और अभक्ष का बिना निर्णय किए खाता रहता है सब कुछ, जो स्त्री लज्जा रहित होती है, जो मित्र या सेवक बहुत दुष्ट होता है, दूत जो है मैसेंजर जो है वो विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, मतलब है तो हमारा संदेश वाहक खबर दूसरे को जाके हमारी गोपनीय दे रहा है, डबल क्रॉस करता, अधिकारी प्रमादी है अगर व्यक्ति या कृतघ्न है तो इन सबको छोड़ देना चाहिए। ये एक नीतिगत बात यहां पर बता। उनने कहा कि सीधा साधा व्यक्ति शांत बना रहता है तो लोग उसकी पूजा नहीं करते। एक बात और कही इसमें, एक बात इन्होंने ये कही कि अकृतोपद्रव कश्चिन महान अपि न पूज्य पूजयंती नरा नागा न तारक्षम नागघातिनम। इससे पहले एक बात और कह दी कि उन्होंने कहा जो राजा की नीति है वो वेश्या की तरह से होती है, वेश्यांगनेव निवृत्ति अनेक रूपा। जो राजा की नीति है वो वेश्यांगने की तरह अनेक रूप होती है। उसके लिए एक उदाहरण जो श्लोक दिया उसका मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूं आपको कि कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी सत्य बोलना पड़ता है, कभी वेश्या की तरह से राजा को बहुत कठोर होना पड़ता है, कभी बहुत दयालु होना पड़ता है, कभी हिंसा का अवलंबन करना पड़ता है, कभी दान परायण भी होना पड़ता है, कभी कृपण भी होना पड़ता है, लोलुपता भी होना पड़ता है, कभी उदार होकर व्यय भी करना पड़ता है, कभी धन संग्रह करने के लिए व्यग्र भी होना पड़ता है। जिस तरह से वेश्या का आचरण होता है नृप नीति इसी तरह से है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, दमनक समझा रहा है सिंह को कि आप अगर कितने ही महान हो लेकिन आपकी धमक नहीं है, आपके उपद्रव जिसे कहते हैं ना कि धमक होनी चाहिए, आपसे डरते नहीं है लोग, तो बेकार है। उदाहरण देते हैं कि सांप को मारता तो गरुड़ है, गरुड़ की पूजा तो आपने कहीं नहीं देखी होगी, लोग तो नाग की पूजा करते हैं कि नाग तो काटता तो नाग की पूजा की जाती है। इतना कह के एक श्लोक अंत का, जब अंत में मैं आ रहा हूं तो अंत के श्लोक जो यहां पर एक दिया है गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, विष्णु शर्मा जी ने कैसे उल्लेख किया होगा लेकिन चूंकि पंचतंत्र में लिखा है इसलिए पढ़ता हूं मैं। दमनक अपने राजा सिंह को समझा रहा है कि देखो राजन, अशोच्यानन्य शोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है द्वितीय अध्याय का गीता का। इसका मतलब यह है कि शोक मत करो, अशोच्यानन्य शोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे, भले ही बड़े विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो हो गया और जो नहीं होने वाला है उसके लिए कोई शोक मत करो, तुम तो विद्वान की तरह से रहो, पंडित जन किसी के मरने और जीने का शोक नहीं करो। इस प्रकार से दमनक से समझाने के बाद पिंगलक ने संजीवक के वर्ण संबंधी शोक को छोड़ दिया और दमनक के मंत्रित्व में पूर्ववत अपना राज्य कार्य करने लगा। ये बात कह के मित्र भेद की पहले प्रकरण की समाप्ति होती। तो मुख्य बात, मैं लौट के उसी कथा मुख पर आता हूं। जब शुरुआत है इस मंगलाचरण की, हमने कहानियां, इसमें 25 कहानियां हैं मित्र भेद में, 25 की 25 कहानियों को मैंने
सात भागों में करके और जो शिक्षाएं वो बताई हैं आपको, अब बात हम लोग सोचें साधारण रूप से, जो मैंने सोचा, बहुत सी बातें सिद्धांत या सिद्धांत के ही आदर्श से अटपटी लग सकती, लेकिन यदि दुनियादारी के बारे में सोचें तो कम से कम हम यदि बुरे काम में न चलें, बुरे मार्ग पर न चलें, तो हमें बुरे लोगों से सतर्क रहने की जरूर शिक्षा मिले, जिससे कि हम दुनिया में बुरे लोगों से धोखा न खाएं हर तरह से। इसीलिए नीति में उन्होंने कहा शुरू में ही मंगलाचरण में कि बनवे वाचस्पते शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु न शास्त्री कर्तव्य। मनु वाचस्पति शुक्र पराशर व्यास चाणक्य, उनको नीति शास्त्र बनाने वालों को प्रणाम किया और कहा सकलार्थ शास्त्र सारम जगत, जो साले सारे नीतियों का शास्त्र है, सार है, विष्णु शर्मा ने पांच तंत्रों में इसको सुमनोहर बनाया है। तो हमको शिक्षा लेके पंचतंत्र की जो कहानियां, मित्र भेद की पक्ष में जो भी 25 कहानियां हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और साथ ही साथ पंचतंत्र में जो भी इसके साथ नीतियां हैं, नीतियों में सब तरह की बात कही, अर्थ की कहां आवश्यकता है, खास तौर से राजा के लिए या सेवकों के लिए। हम राजा तो नहीं है लेकिन सेवक तो हम सबके पास रहते हैं, मित्र तो हम सवारे सब लोगों के पास रहते हैं, अर्थ की हमको आवश्यकता होती है, दुनियादारी में हम चलते हैं, तो हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझ लेने के लिए ये नीतियां अवश्य ही काम में आती हैं। दिन व जिसे व्यवहार लोग कहते हैं, व्यवहार की बात जो है वो उसमें बताई जाती है। तो मैं मित्र भेद को समाप्त करते हुए आज को वक्तव्य को अपना आज यही समाप्त करता हूं। अब मैं आगे जब भी मौका लगेगा तो और जो मित्र के बाद मित्र संप्राप्ति इत्यादि है उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आज आपने पंचतंत्र मितभेद का भाग साथ लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, इस संबंध में किसी कोई जानकारी हो तो आदरणीय आनंद पांडे साहब से बात कर सकते हैं। खाली सोच रहे थे सर, आपकी कहानियां जो सुनी आज बहुत इंटरेस्टिंग थी, खासकर वो जो तराजू को चूहे खा गए और उसको लड़के को चील उड़ा के ले गई। क्या हम लोग को क्या व्यावहारिक जीवन में भी टिट फॉर टैट करते रहना चाहिए? पंचतंत्र की कहानियां तो ये बताती है, और जब ज्ञान की बात सुनो तो ये लगता है कि उसने अपना कर्म किया, आप अपना कर्म करते रहिए। डिफरेंट मतलब बड़ी कंट्रेडिक्टरी कहानियां हैं जिसे कह लीजिए, जैसे एक साधु की कहानी, वो नदी में एक उसको बिच्छू को बचा रहा था, बिच्छू बार बार उसके हाथ में काट रहा था, उस तो दूसरे ने कहा भाई क्यों इसको बार बार इस तरीके से उठा, उसने कहा भाई वो अपना धर्म कर रहा, मुझे अपना धर्म, मुझे इसको बचाना। और इसमें आपने कहा टिट फॉर टैट चीजें, कई चीजें आपने बताई, तो वो थोड़ा वहां थोड़ा सा देश काल और वातावरण के हिसाब से सब बदल जाता है सर। नहीं, मैं जो सोचता हूँ इसके बारे में जी, वो बिच्छू वाली कहानी पंचतंत्र में नहीं है लेकिन हमने भी सुनी है, पढ़ते हैं, लेकिन वो साधु था, वो जो था वो महात्मा था, साधु था। और ये पंचतंत्र की जो कहानी है वो राजा के बारे में और राजा के सेवकों के बारे में। तो मैं जो समझता हूं, हम गृहस्थी रूप में जब आप हैं, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी करते हैं, आप नौकरों से भी करते हैं, आप दुनिया में, मतलब मैं दुनिया में भी चलता हूं, लेन देन भी करता हूं, धोखा भी खाया, धोखा इसीलिए तो खाया कि मैं सतर्क नहीं था पैसे के मामले में, दुष्ट लोगों से मुझे डील करना नहीं आता था, या मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जिस तरह जो बात शब्द प्रयोग की एक बात किसी ने देश काल परिस्थिति, मैं क्या हूं? जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो एक राजा के लिए बिल्कुल ठीक, जैसे मैं कहा मार देना चाहिए तो भाई तो मैं तो हत्या नहीं कर सकता, कानून के हिसाब से तो मैं सोचूंगा भाई मुझे वागीश जी की सहायता लेनी पड़ेगी पहले जाके, भैया कि मैं से मारूं कि नहीं मारूं, क्या कौन सा कानून कौन सेक्शन लगेगा। कहने का मतलब यह है कि हमको व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें सब मूर्ख बनाए, व्यवहारिक जिसे आप कहते हैं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जो है सबसे बड़ी सेंस है, चाहे हम अधिकारी थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे वकील थे,
तो ये कहानियां कॉमन सेंस को जरूर बताती, हमें क्या करना है, ये हमें मारने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन अब दुष्टों से बच तो सकते ही, ये दुष्टों के व्यवहार को जान तो सकते ही, ये मेरा मतलब है। और ये राजा के लिए है तो दंड नीति के अनुसार ये सब बातें सही। पंडित साहब जी, राजा और साधु तो हो गया, प्रजा क्या करे? ना दंड दे सकती है नहीं, नहीं। और ना साधु का व्यवहार कर सकती है, दंड सह तो सकती है, बस दंड दुष्टों से बच सकती जी, दुष्टों से बचाव कर सकते हैं। मैं कहता पांडे साहब जी, सर जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखा लेते हैं जी, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें इसमें कह दिया कि नाग की तो पूजा होती है, गरुड़ की पूजा नहीं होती जो नाग को खाता, तो थोड़ा सा आपका दबदबा भी होना चाहिए। लेकिन सर एक बात और भी तो है ना जी, आपने कहा कॉमन सेंस प्रिवेल करती है वहां पर, लेकिन वो एक एक सिक्स्थ सेंस भी तो होती है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिक्स्थ सेंस की भी तो सुननी चाहिए ऐसे समय में। तो सिक्स्थ सेंस मेरे ख्याल से बागेश जी, जैसे आपका भी अनुभव होगा, ये सब चीजें पढ़ के समझ के ही डेवलप होती है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार होती है। इस सिक्स सेंस से भाई ऐसा भी हो सकता है, हमने ऐसा भी आपके दिमाग में कोई बात पड़ी रहेगी कि हमने पढ़ा था यार ऐसा था, या ऐसा भी हो सकता है, वो सिक्स सेंस से तब डेवलप होता है। और अपने धीरे धीरे स्वभाव के अनुसार, अभ्यास के अनुसार, जैसे आप अपने क्लाइंट को देख के समझ जाते होंगे कि भैया फीस देगा कि नहीं देगा, कितनी फीस दे देगा, तो इस सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है इस तरह से हमें। या न्यायालय जज जो है वो मेरी कौन सी बात को अपील करेगी, इसको कौन सा मैं आर्गुमेंट रखूं इसके सामने कि इसको ये समझ जाएगा। आप जितने भी जज होते हैं उनको इस बारे में जानते हैं, सबके बारे में, तो ये सिक्स सेंस की बात। ये संबंध में कोई जिज्ञासा किसी की हो तो फिर नहीं, तो फिर आदरणीय धीरेन्द्र चतुर्वेदी साहब से एक दो शब्द धन्यवाद कह दीजिए सर। शर्मा जी, पांडे साहब, आप सब लोग बहुत ही उत्तम इस कार्यक्रम को अच्छे रूप से सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो नीति की बातें आ रही हैं, किताबों में तो बंद पड़ी हैं सब में, लेकिन सामान्यता कौन खुलता है? एक बार कहानी सुना चलता रहा, लेकिन आज जो है एक एक क्रम से जो बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से उस यथार्थ को जो में बंद है उसका सोचने के लिए हमें एक बुद्धि को प्रेरित कर रही है। अब देखिए जो पंचतंत्र की नीतियां हैं वो क्या है? राजा की नीति है। और राजनीति में कहा गया है कि साम दाम दंड भेद, इन सभी चीजों को जब मिला करके राजा चलता है तभी वो राज्य करने में सफल होता है। बाकी तो कमजोर राजा जो हैं, जो इसमें से विचलित हुए, वो उनको दूसरा राजा आकर के कब्जा कर ही लेता है। तो ये उस समय की बातें हैं। और आज जैसे न्यायिक व्यवस्था है, हम देख रहे हैं कि चाहे साक्ष्य व्यवस्था हो, चाहे कैसे किसी को उसके न्याय को मिले, इसके लिए तमाम विधियां हैं। तो ये विधियों का जो हम आदिम काल जब देखते हैं तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? इसी तरह से हुआ, घटना घटी, फिर उस घटना की परिस्थितियां घटी, फिर उन परिस्थितियों में उसकी विपरीत अगर कुछ है तो क्या होता, और एक आदमी अपने को कैसे प्रेजेंट करेगा, यही सब सब चीजें तो कोर्ट में होती हैं। और यही सब बातें जो हैं ये पंचतंत्र में कहते हुए और उन लोगों के दिमाग में ही रख रहा है, क्योंकि राजकुमार जो थे आगे राजा होने वाले थे, तो उनको कैसे अपनी सत्ता को चलाना है और उस सत्ता पर कैसे काबिज होना है। क्योंकि सामान्यतः हम अपने व्यवहार में भी ये चीज देखते हैं कि किसी की बात को अगर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं तो व्यवहार में वो पता चलता है कि निश्चित रूप से वो उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो हर बातों को पंचतंत्र में जिस तरह से ये तो एक वाली नेत्र भेद नीति है, बाकी पंचतंत्र तो पूरी की पूरी राजनीति की शिक्षा ही है। हुआ क्या है इसमें? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, आप अर्थशास्त्र को उठा के पढ़िए, उसमें हर बातें लिखा है कि किसी दुश्मन को मारने के लिए
मानवता को मत सोचो, जहर भी दे दो वो उसके साथ मिल करके उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको मार डालो, लेकिन अर्थशास्त्र जो है बहुत कठिन है, तुरु भाषा है। अगर उस अर्थशास्त्र की बातों को कथा के रूप में, क्योंकि जन जन में प्राचीन काल से हमारी जो व्यवस्था चली आ रही है शिक्षा की, वो शिक्षा की व्यवस्था क्या है? शिक्षा की व्यवस्था शुरू से ही चली आ रही है कि शब्द, हम अपनी बात कहते हैं दूसरा सुनता है तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है और वो उसके मन में अस्थायी रूप से घर कर जाता है। इस शिक्षा की नीति हमारी चलती रही, गुरु ने अपने शिष्य को दिया, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति जो है क्यों बची हुई है? इसीलिए बची हुई है कि हमने जो पुस्तकों का ज्ञान दिया, जो कुछ भी ज्ञान दिया, वो पुस्तकों में बंद नहीं किया, वो व्यक्ति के अंदर रख दिया। सहनौ भवत सहनौ भुनक्ति जब बात होती है उसमें क्या है, एक गुरु ने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने दूसरे गुरु को, उस शिष्य फिर गुरु हो गया, उसने दूसरे शिष्य को, इस तरह से एक बहुत बड़ी कड़ी बन गई और वही ज्ञान बात चलता रहा, जिससे कि हमारे तमाम धार्मिक पुस्तकों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, लेकिन उससे हमारे धार्मिक ज्ञान, हमारी संस्कृति, उस पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वो बातें हमारे क्रम से चलती रही है। तो हमारे ये पंचतंत्र जैसे ग्रंथ जो है वो उन्ही बातों को आगे बढ़ाने के लिए है। अभी भी देखिए गांव में, अभी हम लोग अभी छोटे थे उस समय ये बिजली भी नहीं होती थी और दोपहर में या शाम को क्या होता था, अब रात को सोने जा रहे हैं, अब उसमें बस नींद ही नहीं आ रही है, कोई कहानी शुरू हो गया, अब बुजुर्ग लोग हैं अपनी कहानी बता रहे हैं, वो कहानी आज भी हमारे दिमाग में भरी हुई है और वो सब नीति की यही बातें हैं सब जो इसकी है। तो इस तरह से आज जो पंचतंत्र का एक खंड या एक भाग पांडे सामने हम सबके बताया और 25 कहानियों के माध्यम से वो हम लोगों के दिमाग में फिर से भर दिया कि उसको देखो और समझो, तो इसके लिए तो आप और पांडे साहब सब धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत बधाई, और हम आशा करते हैं कि आगे भविष्य में हम लोग इस ज्ञान को और पाते रहेंगे। धन्यवाद सर के लिए आप सबको, धन्यवाद आदरणीय अरुण चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद आदरणीय अरुण पांडे साहब कि आपने समय निकाल कर समय दिया, और जैसा कि एक विचार के साथ और फिर तीन बार ओम के साथ करते हैं। आज का विचार है परिपक्वता इसमें नहीं है, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं कितना शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति में शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति में शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। आइए तीन बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा